हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास फिफ्थ ईवीएस वर्कशीट वीक 26 टॉपिक लेसन 18 नो प्लेस फॉर अस। आज हम क्लास फिफ्थ ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, वीक 26 लेसन 18 नो प्लेस फॉर अस। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डू पीपल कम इन सिटीज़ फ्रॉम द विलेजेस? गांव से लोग शहर में क्यों आते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, पीपल कम इन सिटीज़ फ्रॉम द विलेजेस बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट, फॉर मोर फैसिलिटीज़ कंपेयर टू विलेजेस, टू मीट देयर रिलेटिव्स एंड फॉर सम अदर रीजंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डज द डेवलपमेंटल वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस ऑन रिवर्स एक्सेट्रा अफेक्ट द लाइफ ऑफ विलेज पीपल? विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जैसे नदी पर पुल बनाना आदि गांव के लोगों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, डेवलपमेंटल वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस ऑन रिवर एक्सेट्रा मेक the life of village people easy and more comfortable because bridges connect both the banks of the rivers so that easy movement of people vehicles can take place across the river. चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3, what have you learned from your neighborhood? आपने अपने पड़ोस से क्या क्या सीखा है? तो इसका आंसर लिखेंगे, वी हैव लर्न टू लिव इन हारमोनी विद आर नेबरहुड एंड सपोर्ट ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। हमने अपने आस पड़ोस से सद्भावपूर्वक रहना व सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, विच प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव टू फेस व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? स्थान परिवर्तन के कारण लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, पीपल हैव टू फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स व्हेन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, सेकंड, हाउसिंग, थर्ड, लैंग्वेज बैरियर्स, फोर्थ, कल्चरल डिफरेंसेस, फिफ्थ, वेदर, सिक्स्थ, किड्स एजुकेशन, सेवन्थ, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाई डू वी बिल्ड ब्रिजेस ऑन द रिवर्स? हम नदियों पर पुल क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, वी बिल्ड ब्रिजेस टू कनेक्ट द बैंक्स ऑफ द रिवर्स सो दैट द इजी मूवमेंट ऑफ पीपल व्हीकल्स कैन टेक प्लेस अक्रॉस द रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। खाली स्थान को सूटेबल वर्ड से फिल करिए। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर सीन जनरली इन डैश। सामान्यतः कृषि संबंधी कार्य डैश में किए जाते हैं, तो यहाँ फिल करेंगे विलेजेस। बी, फिशरीज कम अंडर डैश एक्टिविटीज़। मछली पालन एक डैश संबंधी कार्य है, तो यहाँ फिल करेंगे एग्रीकल्चरल। सी, पीपल इन सिटीज एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ डैश। शहर के लोगों को डैश मिलने के अवसर अधिक होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट। डी, पीपल गो टू डैश टू गेट मोर फैसिलिटीज़, तो यहाँ फिल करेंगे सिटीज़। ई, ब्रिजेस आर मेड ऑन डैश टू इन्हेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यहाँ पर हम ब्रिजेस ना करके डैम्स लिखेंगे। डैम्स आर मेड ऑन डैश टू इन्हेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे रिवर्स। एफ, पुलिस स्टैंड्स फॉर आर डैश। पुलिस हमारी डैश करने के लिए होती है, तो यहाँ फिल करेंगे हेल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नीड डैश फॉर एग्रीकल्चर। हमें खेती के लिए डैश की ज़रूरत होती है, तो यहाँ फिल करेंगे
seeds. H, we use machines for our dash. हम अपनी डैश के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ फिल करेंगे ईज. वी यूज़ मशीन फॉर आर ईज. हम अपनी सुविधाओं के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं. आई, वी कैन लिसन द साउंड ऑफ बर्ड्स डैश इन विलेजेस. हमें गांव में पक्षियों की आवाज़ें डैश सुनाई देती हैं, तो यहाँ पर फिल करेंगे मैक्सिमम. क्वेश्चन 7, पिक आउट द करेक्ट आंसर्स. सही उत्तर का चयन कीजिए. फर्स्ट, व्हाई डू पीपल जनरली माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सामान्यतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, टू रिजाइड एट अ न्यू प्लेस इज जनरली डैश एक्सपीरियंस इनिशियली फॉर अ फैमिली. एक परिवार के लिए किसी नए स्थान पर निवास करने का अनुभव शुरुआत में सामान्य तौर पर कैसा होता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है सेकेंड, अ ट्रबलसम. थर्ड, इन विच फैक्ट्री सीडिया यूज्ड टू डू द वर्क. सीडिया किस फैक्ट्री में कार्य करता था, तो यहाँ करेक्ट आंसर है फर्स्ट, फिश फैक्ट्री. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, जात्रा वाज वेरी हैप्पी व्हेन गॉट द चांस टू माइग्रेट फ्रॉम हिज विलेज. बिकॉज जात्रा अपने गांव से बाहर जाकर रहने के अवसर को पाकर बहुत खुश था, तो यहाँ करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ही वाज होपफुल फॉर मैनी फैसिलिटीज. बिकॉज ही वाज होपफुल फॉर मैनी फैसिलिटीज, उसे वहाँ बहुत सी सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी. फिफ्थ, द न्यू प्लेस ऑफ जात्रा'स फैमिली वॉज वेरी डैश. जात्रा के परिवार के लिए नए स्थान पर रहना डैश, तो यहाँ करेक्ट आंसर है सेकंड, अनकंफर्टेबल. असुविधाजनक था, अनकंफर्टेबल था. क्वेश्चन 8, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड राइट योर व्यूज अबाउट द पिक्चर. नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके संबंध में अपने निरीक्षण को लिखकर, अपने विचारों को लिखकर बताइए. तो चलिए पिक्चर देखते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर आपकी वर्कशीट में एक पिक्चर दी गई है. आप इस पिक्चर को केयरफुली देखेंगे और उसके बाद अपने व्यूज़ लिखेंगे. फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर. आफ्टर ऑब्जर्विंग द पिक्चर इट सीम्स that people are celebrating and enjoying either any festival or any other occasion. Everybody is looking happy as children are dancing. Some people are playing music and some other people are watching and enjoying all this. चलिए आगे बढ़ते हैं. Life skill week 26, जीवन कौशल सप्ताह 26. How to get help in times of problem, contact number of police, फायर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक्सेट्रा. समस्या आने पर मदद पाने के लिए पुलिस के संपर्क नंबर, अग्निशमन विभाग, बच्चों के कल्याण समिति आदि के नंबर. इन डे टू डे लाइफ वन मे फेस एनी प्रॉब्लम. हमें दैनिक जीवन में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. वी शुड बी अवेयर अबाउट कीपिंग आवर सेल्स काम इन एडवर्स सिचुएशन एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टू लुक फॉर सॉल्यूशंस. हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के विषय में जागरूक होना चाहिए और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए. इट रिक्वायर्स इनसाइट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डील विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. किसी विशेष समस्या से निपटने के लिए समस्या को सुलझाने हेतु आवश्यक कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है. वी कैन यूज स्पेशल नंबर रिसोर्सेज बट ओनली इन केस ऑफ जेन्युइन प्रॉब्लम. हमें समस्या के संदर्भ में विशेष नंबरों, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए. Never prank with such numbers, otherwise you will be answerable for it.
इन नंबरों पर झूठी कॉल करके हमें कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए गतिविधियाँ। क्वेश्चन वन, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट? पुलिस और अग्निशमन विभाग के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, पुलिस हेल्पलाइन नंबर इज़ 100, फायर डिपार्टमेंट हेल्पलाइन नंबर इज़ 101। क्वेश्चन टू, इफ़ यू फील समवन्स टच एज बैड टच, विच हेल्पलाइन नंबर योर टीचर और पेरेंट्स विल डायल? यदि कोई आपको बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आपके शिक्षक या माता पिता कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे 1098। 1098 इज़ अ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज? आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ लिखेंगे 1078। तो यहाँ हम 1078 लिखेंगे। 1078 इज़ द हेल्पलाइन नंबर ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।